हेलो हेलो, वेलकम टू लवली किचन। आई मेरे साथ में, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एकदम मस्त वाली सुंदर बहुत ही पुरानी सब्जी, जो कि हमारे घरों में खाई जाती थी, पकाई जाती है नॉर्थ में, यूपी में, बिहार में, सब जगह खाई जाती है, जिसको बोलते हैं बेसन की गट्टे की सब्जी, जो कि बेसन से बनती है और बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही मजेदार, मेरी बहुत फेवरेट है। इस सब्जी को कम ही बनाते हैं, डेली डेली नहीं बनाते हैं, बट बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे याद दिला दिया मेरे पेज के मेरे किसी मेंबर ने कि आप आंटी प्लीज गट्टे की सब्जी सिखा दो। तो कल ही मैंने उनका मैसेज पढ़ा, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको गट्टे की सब्जी सिखा देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और मुझे आप लोग को एक हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, आप सब लोग मेरे पेज को बहुत प्यार से देखते हैं, मेरी चीजों को बहुत प्यार से बनाते भी हैं और बना के मुझे दिखाते भी हैं, बट कुछ लोग ये ऐसे कमेंट करते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे बनाइए। मुझे मालूम है सब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे से भी अच्छे बनाते हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार उस चीज को ट्राई किया कीजिए, फिर आपको पता लगेगा। हर एक के बनाने के तरीके अलग होते हैं, हर एक के बनाने के मसाले अलग होते हैं, बट उसको जब बनाएंगे खाएंगे तो ही उसका पता लगने वाला है। तो प्लीज ट्राई किया कीजिए। और अब हम सीखते हैं बेसन की गट्टे की सब्जी कैसे बनती है। चलिए पहले उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो हम प्रोसीजर देखते हैं, कैसे बनता है, क्या क्या सामान लगता है। तो रेडी करते हैं अपनी गट्टे की सब्जी। देखते हैं हम बेसन की सब्जी, जिसको गट्टे की सब्जी भी बोलते हैं। उसके लिए लगता है हमको सबसे पहले ये देखिए बेसन, जो कि चने का आटा जिसको बोलते हैं। ये मैं ये वाली कड़छी देखी दो भर के लूंगी, दो या तीन, ऐसा एक बर्तन ले लीजिए बाउल, ये दो और तीन, क्योंकि हमारे घर पे ये बेटा मेरा नहीं खाता है, मुझे ही खानी है, मैं और मेरी बहू खाएंगे, और इसलिए मैं तीन चम्मच ले रही हूँ। ठीक है, इसके लिए अभी हमको जो मसाला करना है मुझे, ये देखिए थोड़े से लहसुन, थोड़ा अदरक, ग्रीन चिल्ली, प्याज दो कट कर लिए, दो टमाटर, दो के तीन भी टमाटर ले लेंगे, धनिया ले लेंगे। इससे मैं बनाऊंगी मिक्सचर। अब मेन काम है इसको हमने कैसे करना है, गट्टे कैसे बनते हैं हमको पहले ये देखना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सबसे पहले अपना थोड़ा सा अपना जो बेसन में मसाला हमको डालना है, सबसे पहले थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली, और मैं अजवाइन जरूर डालती हूँ इसमें, कई लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ। देखिए थोड़ी सी हम डाल देंगे अजवाइन, और थोड़ी सी हल्की सी डाल दूंगी मैं कलौंजी भी, जरा सी स्प्रिंकल करनी है बस आपको। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, देखिए आप हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको गाढ़ा गाढ़ा हमको ऐसा गूंद लेना, उसका बैटर सा बनाना है, पतला नहीं करना, बस थोड़ा पानी डाल के उसको हाथ से अगर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं कैमरा मेरे हाथ में, इसके लिए मैं चम्मच से दिखा रही हूँ। अब मैं इसको हाथ से आपको मसल के आपको रेडी करके दिखाती हूँ इसको क्या करना है, फिर हम इसको बना के डालेंगे, पानी में ऐड करेंगे। अगला प्रोसीजर ये मैं रेडी करने के बाद बताती हूँ। ये देखिए आपको ऐसे पतला नहीं करना, जैसे अपना आटा गूंदते हैं ना वैसा इसका करना है, इतना देखिए, और थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसको हमको अपना जैसे गोल गोल ना, इसके लंबे लंबे ना वो पीसेस बना लेने हैं जो हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। ये प्याज को मैंने मिक्सर में डाल देना है, साथ में ग्रीन चिली भी डाल देनी है, साथ में लहसुन भी डाल देना है, और साथ में अदरक भी डाल सकते हैं, नहीं तो अदरक मसाला जलता है, इसके लिए बाद में डालूंगी, अदरक हम टमाटर के साथ डालेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्सर में मैश कर लेंगे। देखिए मैंने प्याज को मैश कर लिया अच्छे से, अब डाल दीजिए बेसन के ऊपर। ये बेसन को हमने तेल का हाथ थोड़ा सा लगा के ये देखिए ऐसे रोल कर लेने, ऐसे इसके लंबे लंबे ऐसे आपको बना लेने, ये देखिए ऐसे बना के इसमें प्लेट में रखते जाना है, तो इसके बनेंगे गट्टे। अभी आपको जो स्टाइल के खाने हैं, मोटे खाने हैं तो और उसका साइज मोटा कर दीजिए, नहीं तो पतला कर दीजिए, ऐसे आपको करना है। और एक बर्तन में आपको पानी रखना है गर्म, ये देखिए मैंने रखा हुआ है गरम, गैस तेज रखना है और एकदम पानी गरम हो जाए तभी
तो पानी के साथ में इसमें इसको डाल देने। देखिए पानी गर्म हो जाए तो उसमें पानी में डाल दीजिए। तो अपने ये बनते हैं गट्टे। मैं इस बेसन को थोड़ा नरम रखती हूँ, कई लोग बहुत कड़क रखते हैं तो फिर वो कड़क बनते हैं, इसलिए मैं नरम बेसन रखा है। बस ऐसे ही आपको पूरे बेसन को करके गर्म पानी में डाल देना है। 5-10 मिनट के लिए एक बॉयल आएगा और इसको निकाल देंगे। ये देखिए इसको बोलते हैं गट्टे। मैं ऐसे बनाती हूँ, अभी आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग मुझे अपना आइडिया लिख के बताते हैं, बट जैसे मैं बनाती हूँ वैसे प्लीज ट्राई किया कीजिए। अब इसको गैस तेज पे एक दो बॉयल आ जाएंगे और हम इसका मसाला रेडी करेंगे। देखिए मैंने टमाटर को मिक्सर में कर लिया, प्याज लहसुन को कर लिया, इसका बनाऊंगी मसाला, अदरक डालूंगी बाद में, फिर ऊपर से डालूंगी धनिया। अब देखते हैं अपने गट्टे महाराज जी की क्या हालत है। ये देखिए ये बॉयल हो रहे हैं, ये टूटते हैं। अभी मैं जरा गैस स्लो करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, बॉयल में दिखेगा नहीं आपको। ये देखिए ये थोड़े थोड़े फूल जाते हैं और ये निकालूंगी ना इसको जब मैं बाहर, तो बस इसके पीसेस कट करने। अभी ये बेसन पक चुका है, ये लाइक ये जो मुठिया बोलते हैं यूपी में बिहार में मुठिया की मुठिया बोलते हैं, ये मुठिया जैसे ही गोल गोल इसको कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको बोलती हूँ क्रीम रोल, क्रीम रोल जो खाते हैं ना, क्रीम रोल की सब्जी, क्योंकि रोल तो वही है ना, चाहे बेसन के रोल हो चाहे क्रीम के रोल हो। तो बस ये देखिए ये मेरे रेडी हो चुके हैं, इसको 5-10 मिनट बस बॉयल करना और पक गए। इसको बंद करके अभी प्लेट में निकाल लेंगे और इसके गोल गोल पीसेस कट करेंगे और इसकी बन जाएगी हमारी गट्टे की सब्जी। कई लोग बेसन में हल्दी भी डालते हैं, लेकिन मेरा बेसन ऑर्गेनिक है, एकदम येलो रहता है, इसलिए मैं हल्दी नहीं डालती, मसाले में डालूंगी हल्दी। अब ये मैं इसको गैस कर देती हूँ बंद और प्लेट में निकालती हूँ। अब हमने ये बेसन देखिए निकाल लिए मुठिया, अभी इसके हमको ऐसे से पीसेस कट कर लेने। ये देखिए ये मैंने थोड़ा बेसन सॉफ्ट इसलिए रखती हूँ ताकि फिर इन्हें तो बहुत टाइट बनते हैं जो कि खाने को नहीं होते। ऐसे पूरे आपको पीसेस इसके कट कर लेने गोल गोल, इसकी कोई और शेप अच्छी नहीं लगती, इसको हमको ऐसे ही करना है। ये देखिए ये बहुत पुरानी डिश है, देखो मेरा तेल तिर-तिर कर रहा है, कढ़ाई धो के मैंने गरम गरम रख दी ऐसे ही, तो थोड़ी सी आवाज कर रहा है, इसको अभी ठीक करती हूँ मैं ढक के। ये देखिए ये आपके गट्टे हो गए रेडी। अब अच्छे से मसाला भून के हम इसको पकाएंगे। अब मेरा तेल गरम है, तेल में मैं डालूंगी जीरा और जीरे के साथ ही डालूंगी अपनी प्याज, तो मैंने मैच किए इसके साथ ही डाल देंगे अपना नमक। बहुत ही झटपट बनती है, फटाफट ये सब्जी। अभी इसको मैच करके मैंने प्याज छोड़ दी है क्योंकि ग्रेवी इसकी ना एकदम प्लेन ग्रेवी अच्छी लगती है, अगर मोटे मोटे प्याज टमाटर आएंगे तो मजा नहीं आता इसका। मैंने अभी इसमें ग्रीन चिली लहसुन सब डाल दिया और हम इसको फिर भूनेंगे, प्याज को भून भून के इसको अच्छे से ब्राउन कलर आने देंगे, उसके बाद हम अपने डालेंगे टमाटर की प्यूरी और ये बन जाएगी मेरी गट्टा करी की सब्जी। ये देखिए ऐसे आपका मसाला ब्राउन होना चाहिए, इसको हल्का हल्का पानी का छीटा दे देखे ना आपको ब्राउन करना है। ये देखिए काला नहीं करना, हल्का हल्का उसको ब्राउन करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने थोड़े से मुझे मसाले डालने हैं सिंपल एकदम, हल्दी क्योंकि मैंने उसमें नहीं डाली थी, इसमें आपको अच्छे से हल्दी डालनी है, थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया। मैं गरम मसाला अभी भी नहीं डालूंगी देखिए, क्योंकि मैं गरम मसाला बहुत कम यूज करती हूँ, एक्चुअल में करती ही नहीं हूँ, फिर भी मेरी सब्जियां बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब देखिए मैं इसमें डाल दूंगी अपने, तो मेरे टमाटर है रेडी, ये देखिए अदरक और टमाटर, अब हम टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे और ये ग्रेवी होगी मेरी मस्त वाली रेडी। क्योंकि ये जो मसाले होते हैं इनको भूनना बहुत जरूरी है। अब इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और स्लो स्लो गैस पे इसको भूनेंगे ढक के, स्टील की कढ़ाई है जल जाता है, आपको धीरे 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 स्लो गैस पे इसको भूनते रहना, चम्मच से बस हिलाते रहना, स्टेयर करते रहना और ये आपका मस्त वाला मसाला रेडी।
अब मैं इसको ढक के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें इसको मसाले को भूनने दूंगी। ये देखिए मेरा मसाला रेडी हो रहा है। ऐसे आपको अच्छे से भूनना है, लाइक जैसे आप मटन चिकन बनाते हैं तो भूनते हैं, बस वो हिसाब से आपको भूनना है। तो ये आपकी गट्टे की सब्जी कोई हैवी सब्जी से कम नहीं होती है, बहुत ही हेल्दी भी होती है, बहुत मजेदार होती है, लेकिन उसको टाइम लगता है भूनने के लिए, पकाने के लिए। ये देखिए ऐसे मसाला हमको भूनते जाना है। चलिए चलिए मसाला एकदम टकाटक भून चुका है, इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, एक कप देखिए मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। और अगर आपको और जल्दी झटपट करना है तो बॉयल आने के लिए मत वेट कीजिए, साथ में ही अपने बेसन के गट्टे इसमें ऐड कर दीजिए और हल्के हल्के इसको स्लो गैस के ऊपर बॉयल आने दीजिए, ताकि वो जो अपने गट्टे हैं पूरे इसके अंदर अच्छे से मिक्स मैश हो जाएं। और मैं अभी इसमें भी डाल दूंगी साथ में अपना धनिया, ग्रीन धनिया डाल देंगे और अपने गट्टे भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी फटाफट। देखिए पूरे इसमें आप डाल देंगे, ये देखिए पूरा इसमें डाल दीजिए एक ही बार में। चलिए चलिए देखते हैं झटपट फटाफट बनने वाली गट्टे की सब्जी। अभी रेडी नहीं हुई है, इसको बहुत प्यार से अभी पकाना है अच्छे से, क्योंकि गट्टे जो बॉयल होने के बाद में थोड़े से टाइट होते हैं, उनको हमको पकाना है। जब आपको चपाती के साथ खाना है या रोटी के साथ या पराठे के साथ तो आप इतना ग्रेवी भी रख सकते हैं, अगर राइस के साथ खाना है तो इसको ज्यादा रखना है। तो इसका मतलब कि हमको इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे ताकि अच्छे से घुल मिल जाए, क्योंकि जो बेसन है थोड़ा टूट के उसके गट्टों में से ना निकल के ग्रेवी में मिक्स होता है, तो ग्रेवी और मजेदार बनती है। तो इसको स्लो गैस पे जितनी हमने मसाला भुना है उतनी देर ही हमको इसको पकाना है अच्छे से। गैस को कर देंगे स्लो और इसको ढक के पकने देंगे और बनेगी मेरी गट्टे की सब्जी बहुत ही हेल्दी सुंदर मस्त वाली। ये आपको सर्दी के मौसम में भी खाना है खूब, क्योंकि बेसन खाने से सर्दी कम लगती है। बेसन का सीरा पीना चाहिए, बेसन की सब्जी खानी चाहिए। तो अब मैं गैस कर देती हूँ स्लो, फिर इसके बाद प्लेट करके आपको दिखाऊंगी। आइए मेरे साथ में, मेरी सब्जी रेडी होगी। अब मैं बाउल करने लगी हूँ, उससे पहले मुझे आपको मोटिवेट करना है जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। एक दो लाइनें सुना के मैं आपको बताती हूँ हमको नए साल का स्वागत कैसे करना है और पुराने साल को कैसे विदा करना है। जैसे कि एक बहुत फेमस गाना है अमिताभ की फिल्म का, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो इसका मतलब मैं अपने दिल से क्या मैंने निकाला है कि नया साल जो ये 2020 जो आया हमको बहुत रुलाया, बहुत दुखी किया, हम सब परेशान रहे, बट हमको इसको हंसते हंसते विदा करना है कि कोरोना जी जाइए, 2020 जाइए और नया साल हमारा खुशियों भरा लाइए। तो आपको हंसते हुए इसको विदा करना है और एक नया प्रण करना है हम नए साल में क्या करने वाले हैं। आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है आप नए साल का स्वागत कैसे करेंगे, अपनी बुराइयों को कैसे दूर करेंगे, अपना ईगो अहम दुनिया भर के जो अंदर के ईगो होती है ना प्रॉब्लम, उनको हमको कैसे काटना है, अपने बुराइयां कैसे खत्म करनी है। तो आप प्लीज मेरे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, फिर मैं भी आपको और गाइड करूंगी। तो हमको हंसते हंसते इसको बाय बाय बोलना है, कोरोना जी जाइए, नया साल हम सबके लिए सुख भरा हो, सब लोग खुश रहें, हर की सारी खुशियां उनकी पूरी हो, सारे सपने पूरे हैं आप लोग के। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। अभी आज 28 हो चुकी है, 2 दिन और रह गए हैं। नया साल खुशियों से मनाना है, हंस हंस के मनाना है और अच्छे से प्रण करना है और भगवान को साथ में रख के, अकेले नहीं, जब तक हम ऊपर वाले को अपना साथ नहीं देंगे, अपने साथ में रखेंगे तब तक वो हम परेशानी रहेंगे। अगर हम उसका अपनी उंगली उनके हाथ में पकड़ा देंगे हम खुश रहेंगे, हम शांत रहेंगे। तो नए साल का स्वागत करिए हंस हंस के, खुशी से। तो चलिए अब मैं गट्टे को करती हूँ प्लेट, आप लोगों को दिखाती हूँ, और बनाइए और खाइए और मस्त रहिए। चलिए हम इसको करते हैं प्लेट, बाउल। देखिए मेरी सुंदर वाली गट्टे की सब्जी। अभी आप लोग तो इससे भी अच्छी बनाते होंगे मुझे मालूम है, आप लोग अपने घर पे जैसे बनाते हैं बनाइए, बट मेरी भी प्लीज ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मजेदार सुंदर, सुबह नाश्ते के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसकी मैंने रेसिपी आपको बहुत प्यार से स्लो स्लो समझा दी है,
ऐसे बनाइए और खाइए गट्टे की सब्जी। देखिए मेरी प्लेट सुंदर गट्टे की सब्जी रेडी है, आपको बना के खानी है, जरूर खाइए और लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलना है। मैं हमेशा भी बोलने लग गई आपको कि आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता लगेगा, शेयर करेंगे तो लोगों को पता लगेगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू वाली मस्त वाली अब मैं इसको चपाती बनाऊंगी फुलका और उसके साथ खाऊंगी, आप भी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। नए साल का स्वागत बहुत ही प्यार से कीजिए, बहुत ही मजे से कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हंसता हुआ जो जाएगा वो ही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। आप खुश होके उसको विदा करेंगे पॉजिटिव वे से तो नया साल एकदम अच्छा आप सबके लिए आएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।